उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व दो बार के सांसद विनोद कोनकर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे और नामांकन के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित कर विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा साफ है, बसपा बिल्कुल साफ है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। रोज सैफई खानदान वाले मुझ पर अपना गुस्सा उतारते हैं, साथ ही प्रधानमंत्री जी को उल्टी सीधी बात बोलते हैं, लेकिन मैंने कह दिया है कि आपकी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि इनकी गाली का जवाब कमल का बटन दबा कर दें और फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाएं। हिंदुस्तान किसी भी प्रकार के जिहाद के खिलाफ रहता है, चाहे वह लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो, और अब चाहे जो नया शब्द गढ़ा गया है वोट के जिहाद का या जिहाद हो, अब हिंदुस्तान विकास के संकल्प के साथ, विकसित भारत बनाने की गारंटी के साथ, गरीबों के जीवन में सुधार के साथ, महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ, युवाओं के उज्जवल भविष्य के साथ, सीमाओं की सुरक्षा के साथ, सबका साथ सबके विकास के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकजुट है।